हमें और इतना खाली तो सब्जी पता है को कि अपग्रेड करके जब से ये धरना शुरू हुआ है तब से गवर्नमेंट के लेवल में डिस्कशंस चल रहे हैं, लेकिन जैसे अभी तो रपेल भी मैंने कहा है कि पॉलिटिकल विल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई कहीं नहीं देता है। बिकॉज अगर पॉलिटिकल विल होता तो शायद से गवर्नमेंट इस चीज़ को अगर ये बोलता है कि सीएस लेवल में अब जाके हमें मीटिंग करने के लिए बोला, तो हम लोग जाके मीटिंग करते हैं एंड देन सी जो चीफ सेक्रेटरी है वो कन्विंस भी होता है कि ये इशू अभी रिजोल्व नहीं हुआ है और यहाँ में ऐसे बहुत सारा चीज़ है कि इसको दोबारा से बैठ के बात करने की ज़रूरत है, और इसका जो अप्रोप्रियट अथॉरिटी जो है वो चीफ मिनिस्टर खुद है। तो इसके चलते सीएम साहब को अपने आप अपने हिसाब से अप्राइज करेंगे। तो अभी देखो 4 दिन का जो धरना है डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है, लेकिन ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस अभी ग्राउंड में कुछ आया नहीं है। इसीलिए यही एक रीज़न था कि हम लोग जो एक्सटेंशन का जो बात कर रहे हैं धरना का 15 दिन के लिए हम जो सीख किया है इसी को लेके था। मैंने आपने पास में जब आपने डेमोक्रेटिक मूवमेंट आप लोग जब उतारा था तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आता था कि ओके वी आर हम लोग मीटिंग करेगा हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इस बार के 4 दिन का जो धरना है इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट लोग आप लोग कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं? कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है बोल के इन ए वे यू कैन पुट इट डेट वे, बट आपने शायद से हाल ही में देखा है कि जो अरुणाचल प्रेयर फेस्टिवल जो चल रहा था 27 से 29 तक, वहाँ पे हमें भी मीडिया के थ्रू से पता चला है कि सीएम साहब ने वहाँ पब्लिक के सामने भी बोला है बोलते कि ये 13 छात्र डिमांड जो है फुलफिल हो गया बोल के, और ये बहुत जल्दी गवर्नमेंट पब्लिक डोमेन आके ना एक ब्रीफिंग के थ्रू बताएंगे बोला है कि एक एक पॉइंट को कैसे कौन सा पॉइंट रिजोल्व हुआ है बोल के। तो एक्चुअली अगर ऐसे चीज़ होता है बोलने से तो हम लोग से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, बिकॉज अगर इशू रिजोल्व हो गया बोलने से तो गवर्नमेंट हमें गिना है कि कौन सा पॉइंट कैसे रिजोल्व हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो 13 छात्र डिमांड का जो दाई सेक्शन है जिसका हम लोग पेम्पलेट भी बना के रखा है शायद से आप लोगों को भी पहुँचा होगा, तो उसका हिसाब से एक भी पॉइंट रिजोल्व तो नहीं हुआ। जो हमने जाके एसपी सर से भी बात किया, एसपी सर को भी पूरा डिटेल्स जब एनओसी सीख कर रहे थे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन हुआ, तब जाके एसपी भी कन्विंस होता है कि ये इशू रिजोल्व नहीं हुआ। हमें बोला जाता है कि आप सीएम सीएस लेवल पे जाके डिस्कशन कीजिए, क्योंकि सीएम सर को कहीं ना कहीं खेद है कि सम पीपल आर स्टिल इन ए प्रोटेस्ट मोड बोल के। तो जब हम लोग जाके सीएस को भी मिलते हैं तो चीफ सेक्रेटरी भी कन्विंस होता है कि ये इशू रिजोल्व नहीं हुआ है, तो हम भी वी आर ऑल्सो वेटिंग डेट ऐसे वाला कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस आए कि जिसमें गवर्नमेंट सही मायने में बताए कि ये इशू कैसे रिजोल्व हुआ है, ताकि पीएजेसी के साथ साथ पूरा अरुणाचल में जनता जो पिछले 14-15 मंथ से इस इशू को लेके बहुत बेकाबू है बहुत बेचैनी है, इन लोगों को भी कम से कम पता तो चले कि इशू रिजोल्व कैसे सही मायने में हुआ है। कल का इंटरव्यू में नालो से ये जानने को मिला था कि आप लोग का ये सिटिंग धरना को एक्सटेंड कर रहा है 15 दिन के लिए, तो आप लोग ने एप्लीकेशन डाला था तो उसके लिए उसका ऊपर थोड़ा अपडेट ये। हाँ जी, ये जैसे आपने आपको पता है कि 4 दिन का जो सीटिंग धरना में अभी जैसे मैंने बताया कि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया नहीं, हालांकि डिस्कशन चल रहा है बोलते हमें पता चला, लेकिन सिर्फ डिस्कशन चलने से नहीं होते, और तो हमारे क्या है कि अंटिल अनलेस वहाँ से एक ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आता है कि इशू को बैठ के कम से कम आपस में अक्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कशन किया जाए कि क्या क्या चीज़ अभी करना बाकी है और क्या चीज़ हो गया, जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी तक ऐसे कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस आया नहीं, तो हमने कल कोशिश किया था कि एक एसपी को एक दोबारा से एक एनओसी सीख करने के लिए 15 दिन का एक परमिशन लेटर एनओसी के लिए हमने कल डाला था, तो आज उसी में उसी को लेके अभी भी डिस्कशन चल रहा है कि इफ़ वी दैट एक्सटेंशन विल बी ग्रांटेड और नॉट, बिकॉज हमारा जो पेन और जो स्टेयरिंग कमेटी जो इस इशू को आगे से लेके लीड कर रहा है, हम लोग का सही मायने से ये सोच यही है कि ये इशू सही मायने में रिजोल्व हो जाए, ताकि जो इतना सालों से एपीपीएससी में जो घोटाला चल रहा है वो दोबारा इस बार आगे जाके दोबारा ना हो, और ऐसे में ये इशू जो है बहुत सारे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को हर जनरेशन का कुचल देता है, तो हम भी चाहते हैं कि बार 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 ना हो, इसीलिए एक फुल प्रूफ सिस्टम के साथ में इशू रिजोल्व किया जाए, और ताकि यहाँ से हम लोग मूव ऑन करें और दोबारा से एपीपीएससी में जो ट्रस्ट जो खोया जो पब्लिक ट्रस्ट खोया जो एस्पायरिंग का ट्रस्ट खोया जो क्रेडिबिलिटी जो खत्म हो गया उसको रेस्टोर करें और एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम दोबारा बिल्ड करें। तो हाँ जी, तो इसमें राइट नाउ एज आई एम स्पीकिंग टू यू सो फार अभी तक कुछ मुझे तो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं आया, बिकॉज आई फील कि वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आते तो मुझे मिल जाते तो आपको बता देते, बट राइट नाउ ऑल्सो डिस्कशंस इज ऑन द प्रोसेस, अभी भी डिस्कशन मीटिंग चल रहा है वहाँ, तो हम होपफुल है क्योंकि कल का जो मीटिंग था एसपी के साथ भी
इट वॉज अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग एंड बिकॉज ऑन द फेस कभी कभार चीज लोग को समझ में नहीं आता है, तो अक्रॉस द टेबल बैठने से उसके नीति ग्रिटीज को, टेक्निकल ग्रिटीज को जब बात करता है तो बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है। तो कल का रिस्पॉन्स के हिसाब से तो आज फॉलो अप करने के लिए गया था, तो बाय द टाइम आवर प्रोग्राम वंस अप आई एम श्योर जो भी आउटकम है एसपी की तरफ से वो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू बी वेरी कैटेगोरिकल एंड वेरी क्लियर दैट पेन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमिटी डू नॉट एडवोकेट एनी सॉर्ट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। सो हैविंग सेड दैट टू कंटिन्यू द सिट इन धरना बिकॉज आवर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीकिंग द 15 डेज एक्सटेंशन इज यू नो लाइक टू कंटिन्यू द सिट इन धरना बिकॉज द इशू हैज नॉट बीन रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू अस एंड अकॉर्डिंग टू द पब्लिक। तो अभी सिट इन का जैसे प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि चल रहा है, इसका आगे इस इशू को मतलब यहाँ कंटिन्यू सिट इन धरना कंटिन्यू करना नहीं करना वो हम एक टीम बैठक करके हम डिसाइड करेंगे। मीन वाइल आपको ये भी बता दूँ कि कल से यहाँ पे ये जो पेरेंट्स जॉइंट कमिटी अगेंस्ट नल एंड वर्ड को भी यहाँ पे परमिशन दिया गया ये बोल रहे हैं, तो वी विल हैव अ डेलिब्रेशन एंड टॉक विद इन द टीम एंड विल डिसाइड इफ वी कैन इफ वी विल कंटिन्यू और नॉट। देखो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो बहुत मतलब उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, जो भी उनका ग्रीवेंसेस है उसको भी प्लेस करना चाहिए और जो भी उनका परमिशन वगैरह आते हैं जरूर उसको भी ग्रांट करना चाहिए, क्योंकि अगर इन लोग को लगता है कि इन लोग का भी राइट कहीं ना कहीं डिप्राइव हो रहा है तो उस डिप्रिवेशन को इन लोग को भी सॉर्ट आउट करने में सरकार का सही एक मैकेनिज्म रहना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर जैसे आपने पूछ रहे कि पीएजेसी का जैसे भी कुछ मूवमेंट होता है उसी में रेप्लिका जैसे इन लोग का एक कुछ आ जाता है, इसको लेके मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगा कि देखो पेन ये जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखा हुआ है एक पॉइंट को लेके जो एक स्टिकी पॉइंट है बोलता है, मेरा तो मानना ये है कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी एक्चुअली होना क्यों है जब स्टेट के लिए हित में होना है। हालांकि यहाँ अगर कुछ इश्यूज में कुछ एक पॉइंट में आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे से अलग है तो वो आपका जो डिमांड है आपने सरकार लेवल पर रख दिया और हमने भी अपने जो डिमांड से वो सरकार पर रखा हुआ है, तो द बॉल इज इन द गवर्नमेंट कोर्ट, उधर बैठ के इसको डिस्कस करना चाहिए। लेकिन यहाँ ग्राउंड में ये दिखाई देता है कि जब पेन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी धरना रैली कुछ भी एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं ये लोग एक स्टम्बलिंग ब्लॉक जैसे एक रुकावट जैसे बन के सामने खड़ा होने की कोशिश करते हैं। तो हम इन लोग से इन लोग का ये सब का हरकत से इन लोग को कभी कभार मुझे ये तब लगता है कि देन आई फील लाइक क्वेश्चनिंग दैट व्हाट इज द यू नो लाइक इन लोग का इंटेंशंस क्या है, इन लोग का इसका पीछे का जो सोच क्या है, बिकॉज इफ यू रियली वॉन्ट द इशू टू बी रिजॉल्व देर शुड बी फेयर डिस्कशन, बट एक पॉइंट के कारण से बाकी जो पूरा स्टेट के हित में जो इशू है इसको हाईजैक करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप ये सब करते हो तब हमें लगता है कि आप एक पॉइंट का खिलाफ नहीं है, आप पीएजेसी का को लेके एक पर्सनल ग्रज रखते हैं और इस इशू को लेके आप कभी नहीं चाहते कि इशू का रिजॉल्व हो। थ्रेटनिंग का आई वुडन्ट बी एबल टू यू नो लाइक गिव यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑन डेट बिकॉज आई पर्सनली हैव नॉट हर्ड एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। गवर्नमेंट की तरफ से थ्रेटनिंग मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी किसी भी पॉइंट में जाएगा अनटिल अनलेस बिकॉज जो पिछले जो सीतिन धारणा था वो सीतिन धारणा भी बहुत पीसफुल ही हुआ पहला, और वो सीतिन धारणा डेमोक्रेटिक राइट है और फंडामेंटल राइट भी है, तो हमारे टीम को तो डायरेक्टली कोई ऐसे थ्रेट तो नहीं आया। जैसे आपने कहा कि 89 बॉयज लोगों भी अपना ग्रीवेंसेस फेस करने का राइट है क्योंकि देख डेमोक्रेटिक राइट है, आप लोग तरफ से कभी आप लोग राउंड टेबल पे किया आप लोग वो ग्रुप के साथ में बात करके आप लोग डिफरेंसेस को सॉल्व करने का ट्राई किया कि नहीं? जी आप लोगों को शायद से पता है कि हमने कई दफ़ा अगर देखो मीडिया आप लोग इस इशू को पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं कि बहुत सारे ब्रीफिंग में हमने ये भी कहा है कि कभी हमारा चेयरमैन बोलता है कभी हमारा वाइस चेयरमैन बोलता है कभी कोई मेंबर बोलता है जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, तो उसमें कई बार हमने कहा है कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है
वो ठीक है, वो आपके पास भी है, हमारे पास भी कुछ अपना अपना सोच है, लेकिन इसको लेने के लिए हमने थ्रू यू नो वेरियस ब्रीफिंग्स हमने वेलकम किया है कि अगर वहाँ कुछ आपके पास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वी कैन ऑल बी सिट डाउन एंड टॉक एंड यू नो लाइक फाइंड ए वे वेयर द इशूज कैन बी एक्चुअली बी रिजॉल्व. लेकिन हमारा अपील तो बार बार गया है, लेकिन उस तरफ से जो दूसरा पार्टी है उसका तरफ से वो बहुत रिजिड दिखते हैं और उनको कभी कभी लगता है कि सिर्फ पर्सनल रिमार्क्स करने में ज़्यादा अच्छा लग यू नो लग इट गिव्स देम सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन. उस तरफ से जब ऐसे रेस्पॉन्स हमारे तरफ से भी कभी नहीं आते, भले वर्बली हो, तो दैट हैज़ नॉट कम फ्रॉम दैट साइड. तो इसीलिए ये जो बैठक जो आपने बोला है, ये जो एक्वो से टेबल जो बैठ के डिस्कशन होना है, ये आज तक नहीं हो पाया. लेकिन वी होप कि द एक्चुअल फैसिलिटेटर ऑफ दिस थिंग इज़ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो PAJC है, जो बाकी पब्लिक है और जो दूसरे साइड के जो स्टेक होल्डर्स है जिसको ये इशू से को लेके कुछ गिला सिकवा है, इन लोगों को बुला के एक टेबल में बिठा के राउंड टेबल में बैठ के डिस्कशन कराना, वो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है. तो हम आशा करते हैं कि अगर हमारे तरफ से बोलने के बाद उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, देन द गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट.